सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उस दिन से ग्राउंड लेवल में हमारे कारकुन, हमारे लीडर्स फील्ड में जो भी इसका विक्टिम्स है उनके लिए काम कर लेकर आ रहा है। जब लॉकडाउन का टाइम में फूड सप्लाई हो या उसके बाद जो माइग्रेंट लेबर्स का शिफ्टिंग का काम हो, और ऐसे खिदमात कर लेकर आ रहे हैं। अभी जो भी हॉस्पिटल का जो इलाज का सिलसिले में भी हम लोग हॉस्पिटल्स को विजिट करके बेहतरीन क्वालिटी ट्रीटमेंट का मांग किया है विथ ऑल केयर्स। उसके साथ साथ हम लोग जो अवाम को बेदार करने के लिए एक वीक का एक कैंपेन चलाए हैं, बेक ऑफ रहिए और बेदार रहिए। तो कैंपेन के जरिए लोगों को अवेयरनेस करने का प्रोग्राम भी हम लोग किए हैं। जो सिटी में कोविड का जो पेशेंट्स ज़्यादा हो लेकर पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ लेकर है, उसका साथ साथ जो इंतकाल जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा हो लेकर है, वो सब देखते हुए हम लोग एक सख्त ज़रूरत था एक एम्बुलेंस का, एक एम्बुलेंस सर्विस देने का हम लोग जब डिसाइड करें इंशाल्लाह, तो उस डिसीशन को इम्प्लीमेंटेशन करने में अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर हम लोग आज मैसूर सिटी का कोविड पेशेंट का सर्विस के लिए हमारे एम्बुलेंस एसटीपीआई और कोविड केयरनेस केयर कमेटी का तरफ से, अवेयरनेस कमेटी का तरफ से आज हम लोग इसको इनॉग्रेशन किए हैं। तो इस मौके पर मैं हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर अमजद खान साहब और उनका फैमिली को मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस एम्बुलेंस को हमारे पार्टी के लिए डोनेट किए हैं। और उसके साथ साथ कहीं हमारे साथी लोग उसका एम्बुलेंस का जो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, दूसरे चीज़ों का भी बहुत सारे हमारे साथ यहाँ हम लोग को सपोर्ट किए हैं, वेल विशर्स भी सपोर्ट किए हैं, मेहनत भी किए हैं। हम ये डिसीशन किए हैं जब कोविड का जो जब तक वबा रहेगा तब तक हम इस एम्बुलेंस का जो सर्विस हम लोग फ्री करेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी चार्जेस हम लोग कोई भी हमारे जो भी विक्टिम्स है, जो भी बीमार है, उनसे हमें फैमिली से नहीं लेंगे, फ्री सर्विस रहेगा इंशाल्लाह। इसके लिए जो भी खर्चा आता है इंशाल्लाह हमारा वेलविशर्स डोनर्स हम लोग को देने का वादा किया है इंशाल्लाह। तो मैं आज इस एम्बुलेंस का सर्विस को इनॉग्रेशन हम लोग सब मिलके किए हैं। इस मौके पर जो भी इस खिदमत के लिए सपोर्ट किए हैं, डोनेशन किए हैं, उनको मैं शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकअल्लाह खैर। उसके साथ साथ हम लोग दुआ करते हैं इस वबा से नजात मिलने के लिए हम लोग दुआ करते हैं, और हम दुआ करते हैं इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कम हो। एम्बुलेंस का इस्तेमाल किसी को नहीं होना चाहिए, फिर भी ज़रूरत को तो हम लोग रखना है, खिदमत को हम लोग रखना है, इसलिए हम लोग आज इस एम्बुलेंस को मैसूर सिटी का सर्विस के लिए हम लोग इनॉग्रेशन किए। एक कोविड-19 का एक कमिटी बनाए हैं, कोविड-19 अवेयरनेस कमिटी। उस कमिटी में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो उसका लैंडलाइन भी है और उसके साथ साथ उसका हमारा मोबाइल नंबर भी है। ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा, जो भी किसी को ज़रूरत है इस हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सके। इस हेल्पलाइन नंबर सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है, इस हेल्पलाइन नंबर से हम लोग कौन सी हॉस्पिटल में बेड का अवेलेबिलिटी है, ICU अवेलेबिलिटी है, वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी है, उनको सही गाइड, किसी को गाइड चाहिए, कोविड सेंटर्स का एड्रेस चाहिए, ऐसा एक कोऑर्डिनेशन भी हम लोग करेंगे। और उसका साथ साथ डॉक्टर्स का साथ भी हम लोग करेंगे। अभी जैसा कि हमारा जो इत्तेजाज का नतीजा निकला है, डेली डिप्टी कमिश्नर का तरफ से डेली जो बुलेटिन निकलता है, तो उसमें मैसूर के कितने भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ बेड का डाटा निकलता है, उसका मुताबिक जिस हॉस्पिटल्स में बेड्स का अवेलेबिलिटी है, हम लोग जो भी पेशेंट्स का रिलेटिव्स हम लोग कॉल करेंगे, हम लोग उसको सही गाइडेंस देंगे। ये हेल्पलाइन में दो है, एक तो हम उनको गाइड करते हैं, उसका साथ साथ एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट को किसी को हो तो ये हेल्पलाइन नंबर को आप
कॉल कर ये जो फ्लड आने का जो पहले ही एसटीपी क्विक रिलीफ टीम एक बनाया गया ऑलरेडी एसटीपी की तरफ से कुशालनगर और मडिकेरी में दूसरे पंडंगेरी अलग अलग नापोकलू एरिया में ऑलरेडी बनाए हैं। वो टीम ऑलरेडी काम शुरू कर जितने भी जो घर है वो एरिया में जो पानी आने वाला घर है उसका गाली घर को खाली करने का उनका जो सामान वगैरह होता है चीज़ों वगैरह वो तो वो शिफ्ट करने का काम में लगे हुए हैं। और जितने भी उधर ज़रूरत है 24/7 हमारा टीम अवेलेबल है। उसका साथ साथ जब आपको जैसे कि बताया आप अभी केरला में करीपुर एयरपोर्ट का जो हादसा हुआ फ्लाइट का उस टाइम में भी एसटीपी का खिदमत है। केरला का भी जो फ्लड का जो हो रहा है उसमें भी खिदमत है। हालांकि मुल्क भर में हम लोग जब भी लोगों को ज़रूरत आता है खिदमत का जो फ्लड हो ऐसा कोविड का हो दूसरे किसी मामले में हम कभी भी हम खिदमत के लिए रेडी। पहली बात ये है कि कोविड के ज़रिए से मैसूर में बहुत सारे अमवात हो रहे हैं, इस पर हमको बहुत अफसोस भी है, लेकिन इसके लिए हम जब तक मुकम्मल तदबीर इख्तियार नहीं करेंगे एहतियात नहीं करेंगे तो ये बीमारियां ऐसे जाने वाली नहीं है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए से तमाम आवाम को ये आगाही करना चाहता हूं कि आप सब जो है हुकूमत की तरफ से दिए हुए जो हिदायत हैं उन तमाम हिदायत पर अमल करें। सोशल डिस्टेंस हो और जो है फेस में जो है मास्क डालना हो और सैनिटाइजर वगैरह वगैरह जो है इसको जो है बहुत एहतमाम के साथ करें। कभी भी सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ हमारे मौत हो रहे हैं तो हम बहुत सारे लोग बद एहतियाती किए हैं इसकी वजह से भी हो रहा है। तो मैं तमाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का और हुकूमत से दी हुई हिदायत का मुकम्मल एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह ये बीमारी बहुत जल्द यहाँ से दूर होगी। और उसके लिए जो भी तदाबीर हैं उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई। अवले दिन से जो है उसके लिए अनाज की तकसीम हो या फिर जो है बेदारी लाने के लिए जो प्रोग्राम किया गया, और फिर जो है अब ज़रूरत है हमारे शहरियाने मैसूर के लिए जो है हमारा एनआर हल्का बिलखसूस जहाँ बहुत स्लम्स एरिए हैं तो स्लम्स एरिए में जो है कोई भी जो है एम्बुलेंस जाने के लिए बहुत सहूलतें कम हैं तो उसका भी एक ख्याल किए। तो जो है हमारे अमजद भाई की फैमिली की तरफ से पार्टी के लिए ये बयान क्या किया गया है गिफ्ट किया गया है वक्फ किया गया है अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हम 2400 घंटे जो है आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं तो इससे फ़ायदा हम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा पेशेंट आएँ, ये चाहते हैं कि पेशेंट ना आए, लेकिन फिर भी एक ज़रूरत महसूस करते हुए हमने आज एक एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया है। ज़रूरतमंद लोग जो है इससे खूब फ़ायदा उठाएं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और उसके लिए ड्राइवर्स भी जो है हम मुतायिन किए हैं और हमारे कैडर्स भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये सभी को अपील करता हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से जो भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है जो भी खिदमत हैं वो करने के लिए तैयार हैं। आप सब जो है उसके लिए फ़ायदा उठाएंगे तो जो है ये जल्द से जल्द ये बीमारी को हम दूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके न्यूज़ चैनल के तवस्सुल से मैं तमाम शहरियान मैसूर के उलमा इकराम अमाईदीन शहर ज़िम्मेदारान से एक अपील करना चाहता हूँ। जब से कोविड ये वबा फैली उसके बाद से मैसूर में अमवात का सिलसिला बढ़ा। बड़े कब्रस्तान में तदफीन के लिए जगह मुख्तस यानी ख़ास की गई थी, ख़ास करने के बाद अब तो आपने देखा होगा वहाँ तो जगह पूरी फुल हो गई है। लेकिन जब पहली मर्तबा डीसी साहब ने मुस्लिम लीडरों को उलमा को अमाईदीन को बुलाकर गुफ्तगू की थी तो उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि 5 एकड़ ज़मीन किसी आसपास शहर के देंगे, अभी तक वो ज़मीन नहीं दी गई। अब ले जाकर अग्रार कब्रस्तान की निशानदेही की है, कल से वहाँ पर अग्रार कब्रस्तान में 2 अमवात को तदफीन किया गया, लेकिन आज सुबह से ही रिपोर्ट आ रही है कि मैयत को ले जाकर गेट पर रुकाए हैं, तदफीन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है जी। तो बात फौरन इमरजेंसी तौर पर रिजर्व पुलिस को बुलाकर खड़ा कर तदफीन करना पड़ रहा है, ये इससे हो सकता है कि कोई माहौल तब्दील हो, लोगों के दिलों में नफरतें और बढ़ें।
इसीलिए हम अमाइदीन शहर से, उलमा से, अभी सुबह आपने देखा होगा मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब एसडीपी के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो आवाज़ उठाया। हम चाहते हैं तमाम उलमा से, अपील करते हैं अमाइदीन से कि हम सब एक मजबूत आवाज़ उठाकर इस सिलसिले में कदम बढ़ाएं। और आप जानते हैं कि शहर में आबादी बढ़ रही है, कब्रस्तानों की ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम 5 एकड़ ज़मीन आपको देंगे, तो हम उस ज़मीन को छोड़कर खामखाई जो पहले से हमारे कब्रस्तान है उसमें जाकर तदफीन करने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई नशानदही सिर्फ उसी कब्रस्तान की कर दे जबकि वो कब्रस्तान हमारा है, तो कोई बड़ी कमाल की भी बात नहीं। इसलिए मैं उस वक्त कमाल की बात समझता हूँ जबकि नए कब्रस्तान की मांग की जाए, आवाज़ बुलंद की जाए, इस सिलसिले में जद्दोजहद की जाए। मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम नौजवान उलमा की तरफ से, मैं एसडीपी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साहब की खिदमत में करता हूं कि आप आवाज़ उठाएं, हम सब आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।